एवम और ओवर, तीनों का मतलब है पर या ऊपर, साथ में अवम और बिटवीन दोनों का मतलब होता है के बीच में। अब कंफ्यूजन ये बढ़ जाता है कि आखिर हम ऑन कहाँ प्रयोग करें, ओवर कहाँ प्रयोग करें और अवम और साथ में एवम कहाँ पे प्रयोग करें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, क्या है सर, गौर से सुनिएगा। जी हाँ, गौर से सुनिएगा, क्या कर रहा है ऑन। ऑन कहने का मतलब है कि जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर हो और दोनों एक दूसरा को टच करें। जैसे देखिए, ये एक मेरा हाथ है और ये कलम है, ये दोनों जब एक दूसरा को ऐसे टच कर रहा है, तो जब एक दूसरा को टच कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। साथ में अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये मेरा एक हाथ है और दूसरा एक मेरा यहाँ हाथ है और दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है ना, और दोनों एक दूसरे को जब टच कर रहा है, टच में है, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही कहानी क्या है कि इसका क्या कहानी हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कि टच में हो, राइट, टच में। और इसका क्या कहानी है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो हो जनाब, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन ये दोनों एक दूसरा को टच में ना हो। जैसे आपके रूम में अगर आप देखोगे तो रूम में आपके ऊपर छत है ना, छत पे देखिएगा तो पंखा लटका हुआ है, आप नीचे है, आपका सिर है और ऊपर में क्या है, पंखा है। अब आपके सिर के ऊपर तो पंखा है लेकिन क्या पंखा जो है आपका सिर से टच कर रहा है, क्या एक दूसरा से टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जब एक दूसरा के ऊपर हो और टच में ना हो, यानी कि नो टच, यानी कि नो टच, टच किया ही नहीं, तो वही हो जाएगा एवम। अब यहां पे देखिए ये क्या कर रहा है कि वो जरा जरा टच में, टच में, टच में, जरा जरा होलमी होलमी होलमी, ये ऑन कर रहा है। ये कहता है डोंट टच माय घंघरिया और रंग रसिया, मतलब क्या है, डोंट टच, साथ में रहेंगे लेकिन टच नहीं करना, मतलब एवम, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, एवम डोंट टच, ठीक है। और वही कर रहा है ओवर, ओवर क्या कर रहा है कि हम दोनों साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन एक में गति हो, मोशन हो, समझ में आ रहा है। जैसे एक पार्टी चल रही है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ठीक है, और ऑर्केस्ट्रा में देखिएगा ना तो सब लोग बैठा हुआ है, उसमें एक बार नाचने वाली आती है, एक ठुमका जब लगाती है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पर्सन देख रहा है शांति से और दूसरा पर्सन वहां पर डांस कर रहा है, तो एक में मोशन आ गया, यानी कि जैसे एक में मोशन आ गया वो ओवर की कहानी हो गया। जैसे आप नीचे बैठे हो और आपके सिर के ऊपर मच्छर मंडरा रहा है, मक्खी मंडरा रहा है, भिन 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 भिन, अगर ऐसा करता रहा है तो आपका सिर स्थिर है लेकिन आपके ऊपर अगर मच्छर भिन भिनाया तो वहां पे क्या हो गया, ओवर का प्रयोग हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कहते हैं द कैट, अगर इसको हटाइए, द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज डैश द टेबल, तो ऑन एवम या ओवर। तो यहां पे देखेंगे टच मी टच मी टच मी, डोंट टच माय घंघरिया, ये कहता है कि डोंट टच ओनली एंजॉय, मतलब क्या है, मोशन के साथ, मतलब आप एंजॉय करो, टच नहीं करना। ऑर्केस्ट्रा में जो डांस करती है उसका कहना क्या है, तो दूर रहो हम दूर रहेंगे, तुम दूर रहो हम दूर रहेंगे, तुम एंजॉय करो हम एंजॉय देते रहेंगे, मतलब क्या है, एंजॉय करो, फील करो, एकदम नाचते रहो। तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, गति हो रहा है लेकिन एक दूसरा का सामना सामने ही है। तो सेम कहानी अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या कर रहा है, द कैट इज डैश द टेबल, ऑन एवम या ओवर, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, द कैट इज, अब टेबल के ऊपर क्या होगा, ऑन। अब एक बात बताइए, बिल्ली कभी टेबल के ऊपर रहेगा, ऐसा हो सकता है, हवा में नहीं रह सकता है, उसको जरूरी टच करेगा, यानी कि बिल्ली टेबल पर है, यानी द कैट इज ऑन द टेबल। द पेन इज क्या होगा, ऑन एवम या एबव या ओवर, तो यहां पे फिर हो जाएगा आपका ऑन। कहानी क्या कर रहा है, द फैन इज डैश अस, अब देखिए पंखा जो है हमारे ऊपर है ना, पंखा जो है वो हमारे ऊपर है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, पंखा अगर आपके ऊपर है और पंखा बंद है, यानी कि हमारे ऊपर पंखा है लेकिन स्थिर है, ठंड में पंखा नहीं ना चलता है, तो अगर ठंड का सीजन हो तो उस कंडीशन में यहां पे हम क्या लगाएंगे, यहां पे हम लगा देंगे एबव, यहां पे लगा देंगे हम लोग, एक मिनट, यहां पे लग जाएगा हमारा एबव,
The fan is above us, यानी पंखा जो है हमारे सिर के ऊपर है लेकिन स्थिर है, ठंड में चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ओवर भी हो सकता है, कैसे अगला सेंटेंस में देखेंगे। द स्काई इज डैश द हेड, अब आसमां जो है ना, अब गाना मत गाइएगा कि ओ आसमां वाले, तो यहाँ पे द स्काई इज डैश तो एबव द हेड, एबव द हेड इट मीन्स क्या कि आसमान जो है हमारे सिर के ऊपर है बट स्थिर है, फिक्स है, हिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बर्ड्स फ्लाई डैश द स्काई, बर्ड्स फ्लाई डैश द स्काई, तो पक्षी जो है जो उड़ती है आसमान में, लेकिन आसमान पर उड़ती है, आसमान के ऊपर उड़ती है, या आसमान के ऊपर जब उड़ती है तो गति में रहती है, तो सोचने वाला है आसमां है और पक्षी है, उन दोनों स्थिर रहेगा एक जगह, हवा में रुक सकती है पक्षी नहीं ना, उड़ती रहेगी, तो आसमां मोशन में है, समझ में आ रहा है, नहीं तो आसमां स्थिर है और साथ में आपका पक्षी जो है वो उड़ रही है। तो जब एक वस्तु क्या कहा मोशन गति में, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ओवर का प्रयोग। द फैन रन्स डैश अस, अब इस दोनों सेंटेंस को देख लीजिए, यहां पे पंखा आपका रुका हुआ है, रुका है, लेकिन यहां पे पंखा गति में हो जाएगा। तो फैन रन्स अस, पंखा जो है वो चलता है, लेकिन अगर यहां एबव करते हैं मतलब पंखा ठंड का समय है, लेकिन वही गर्मी के समय में पंखा हमारे सिर पर है लेकिन मंडराइत रहेगा, घूमते रहेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। ओके, जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो और एक में गति हो तो उस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं क्या, ओवर का प्रयोग। द फैन रन्स ओवर अस, यानी पंखा हमारे ऊपर क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पे ये पंखा चल रहा है, इसमें पंखा रुका हुआ है, इसमें पंखा गति कर रहा है, ये ठंड का सीजन है और ये हमारा गर्मी का सीजन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है। आगे देखिए, अगला कह रहा है अमंग और बिटवीन, तो सिंपल सी बात है, अमंग करने का मतलब है कि वन प्लस, और ये कह रहा है टू, यानी दो के बीच, यानी जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक की बात हो, यानी यहाँ पे वन प्लस नहीं, यहाँ पे टू प्लस कर सकते हैं, टू प्लस की बात हो तो अमंग का प्रयोग। जैसे कह रहा है राम सिट्स डैश रोहित एंड गोलू, तो राम जो है वो बैठता है कहाँ, तो रोहित और गोलू के बीच में बैठता है। तो जब दो पर्सन के बीच तीसरा पर्सन आकर बैठ जाए, दो पर्सन के बीच तीसरा आकर बैठ जाए, तो उस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे क्या, तो बिटवीन। लेकिन वही अगर बात होगा राम सिट्स डैश द पार्टी, राम बैठता है लेकिन पार्टी में, तो पार्टी एक पर्सन का होगा, एक से अधिक का होगा, तो उस कंडीशन में यहां पहुंच जाएगा हमारा अमंग का। मतलब क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जब दो पर्सन के बीच अगर तीसरा बैठा हो तो उस कंडीशन में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब अनेक पर्सनों के बीच, अनेक पर्सनों के बीच कोई एक पर्सन आगे बैठ जाए तो उस कंडीशन में हम अमंग का प्रयोग करते हैं। मतलब दो के बीच बिटवीन, दो से अधिक के लिए अमंग, जब कहेगा जरा जरा टच मी टच मी टच मी तो ऑन का प्रयोग, डोंट टच माय गंगरिया रंगरसिया तो एबव का प्रयोग, और जब यहीं पे होगा मोशन यानी कि डांस चल रहा है, तू मेरा नागिन मैं तेरा बसेरा वाला गाना सुने है ना, वही मोशन गति में है लेकिन एक मोशन में है एक शांत है, तो ओवर का प्रयोग। आई होप आप समझेंगे प्री पोजिशन का प्रयोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।